सर एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, इस तरफ पहली बार आया हूँ, और जो यहाँ पर एकदम से नेचुरल ब्यूटी है, जो पहाड़ हैं और जो व्यू आ रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि हमारे अगर रजौरी की बात करें या जम्मू की बात करें, वहाँ पर लगभग इस वक्त 44 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ की अगर आप बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को कम से कम अपने लिए साल में 10 से 15 दिन या 20 दिन खुद के लिए जिए अगर इंसान, तो यहाँ पर आए, यहाँ का खाना खाए एकदम से प्योर। दोस्तों, एक तरफ ये खूबसूरत नज़ारा और दूसरी तरफ मैं आपको चल करके दिखा रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत सारा मंज़र है यहाँ पे। और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई राशिद मलिक, इनसे भी जानना चाहूँगा कि राशिद भाई, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे आकर कैसा लगा, सच्ची बताना। सर एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, इस तरफ पहली बार आया हूँ, और जो यहाँ पर एकदम से नेचुरल ब्यूटी है, जो पहाड़ है और जो व्यू आ रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि हमारे अगर रजौरी की बात करें या जम्मू की बात करें, वहाँ पर लगभग इस वक्त 44 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ की अगर आप बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को कम से कम अपने लिए साल में 10 से 15 दिन या 20 दिन खुद के लिए जिए अगर इंसान, तो यहाँ पर आए, यहाँ का खाना खाए एकदम से प्योर हाइजीनिक खाना, और यहाँ पर ताज़ी ठंडी हवा, तो इंसान की लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल राशिद भाई, बाग में इंसान लगा हुआ आज की डेट में कोई समय नहीं चल रही क्या हो रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं आया वो कहीं नहीं गया। हाँ बिल्कुल हकीकत है। देखो दोस्तों, मतलब कुछ अलग सा ही, मतलब कि यहाँ पे सीनिक स्पॉट है ये, भैया से हम जानना चाहेंगे भैया, ये कौन सी जगह, ये वाली डोवा है, ये एक पहले भी डोवा ही था, ये भी डोवा ही है। बुद्ध खनारी से लगभग 2 किलोमीटर हम अपर रीचेस की तरफ जब चढ़ेंगे तो डोवा ही है, और जितना भी, हाँ डोवा की गली है ये, और जितना भी मतलब ये जंगल जो है ये एवरग्रीन है। अब कुछ तो मुझे रोडोडेंड्रॉन और सिल्वर ओक दिख रहा है, और बाकी जो है कुछ बोटानिकल नाम मैं तो सबके जानता नहीं हूँ, लेकिन बट खूबसूरती जो है यहाँ इलाके की वो रियली वेरी वेरी ऑसम है। अब मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि आप कहीं पे जाएं या ना जाएं लाइफ में, लेकिन द्रहाल का ये डोवा की गली को जरूर आप एक्सप्लोर करें कि कितनी खूबसूरत और बढ़िया प्लेस है ये, यहाँ पे आप यहाँ पे विजिट करें।